आज हम जानेंगे सोशल कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है एंटीसिपेटेड, दूसरा होता है अनएंटीसिपेटेड। एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन मतलब कि जिसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना इन्फ्लेशन आने वाले वर्षों में होगा, लेकिन अनएंटीसिपेटेड मतलब कि हमारे एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड चला जाए, कि हमने एक्सपेक्ट किया कि जैसे स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट ने एक्सपेक्ट किया है कि 2025 तक हमारा इन्फ्लेशन रेट 3-4 के आसपास रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन अनएंटिसिपेटेड हमने 3-4 एज्यूम किया, लेकिन ड्यू टू हाइपर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ने के कारण वह इन्फ्लेशन रेट हमारा 3-4 से 10-14 पहुंच गया, 14 तक पहुंच गया हमारा इन्फ्लेशन। तो इसको कहेंगे अनएंटिसिपेटेड, यानी कि मैंने प्रिडिक्ट नहीं किया था कि इतना हो सकता है, मेरे प्रिडिक्शन से ज़्यादा होना अन एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन होता है। सोशल कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या क्या कैसा जनजीवन पे प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में जाने। हमारा पहला कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन है वह है शू लेदर कॉस्ट। अब हम समझते हैं शू लेदर कॉस्ट क्या होता है। शू लेदर कॉस्ट कहने का मतलब है कि यदि इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बढ़ जाता है। आप समझिए केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए तो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग, जो पैसा व्यक्ति हाथ में रखा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी। तो वो क्या करेगा, जितना पैसा उसके पास है वह बैंक में डिपॉजिट कर देगा। यदि वह बैंक में डिपॉजिट करता है तो उसके बदले उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, यानी इंटरेस्ट उसको मिलेगा। तो उसको डेली ट्रांजैक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बार किस तरफ जाना पड़ेगा, बैंक बैंक जाना पड़ेगा पैसा विड्रॉ करने के लिए। तो जब आने जाने का बैंक जाए या एटीएम जाए तो कुछ कॉस्ट लगती है, उसको हम कहते हैं ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ट्रांजेक्शन कॉस्ट में साइकोलॉजिकल हो सकता है, मान लीजिए जाते जाते एक बर्डन हो जाता है दिमाग के ऊपर कि हमें यहाँ पे भी जाता है, तो ये एक साइकोलॉजिकल कॉस्ट हो गया। ट्रांजेक्शन कॉस्ट के अंदर एक होता है कि मुझे पैसा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, हम पैदल एटीएम जाएंगे कि बाइक से, तो ये भी एक कॉस्ट इनकर्ड होता है। तो इस प्रकार के कॉस्ट इनकर्ड होते, तो इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा तो लोग बैंक ज़्यादा जाएंगे इन कंपैरिजन टू पहले, बैंक या एटीएम जहाँ से पैसा विड्रॉ कर सके वहाँ ज़्यादा बार जाएंगे एक मंथ में और एक ईयर में। इससे क्या होगा कि उनके टाइम की भी बर्बादी होगी। यदि वह टाइम जितना जाने आने में लगा रहे हैं वो ज़्यादा बार जाएंगे जब इन्फ्लेशन होगा, तो उस टाइम का अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें सोने में, लेजर में और वर्क में, तो उससे उनका प्रॉफिट गेन होगा, या मेंटली रूप से वह फिट हो सकेंगे अगर वह लेजर में टाइम लगा रहे हैं। तो ये सारे चीज़ें देखने को मिलती है। शू लेदर कॉस्ट मतलब कि बार बार बैंक से कैश विड्रॉ करने के लिए जाना, ड्यू टू अगर कैश डिपॉजिट किया है उसने तो बार बार ट्रांजेक्शन के लिए उसे बैंक की तरफ जाना पड़ेगा, इस वजह से उस पर कॉस्ट इनकर्ड होती है, उसी को शू लेदर कॉस्ट कहते हैं। लेकिन जब आप बड़े बड़े शहरों की तरफ जाएंगे तो ऐसे सिचुएशन कम देखने को मिलेगी शू लेदर कॉस्ट की। क्यों? क्योंकि उधर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अवेलेबल है, तो इस कारण लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर देते हैं, तो कैश इन हैंड रखने की उनको कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब आप छोटे कस्बे गाँव की तरफ जाएंगे तो ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो ये सारी समस्याएं देखने को मिलती। मेनू कॉस्ट कहने का मतलब है कॉस्ट इनकर्ड फॉर चेंजिंग प्राइस। अब इसको हम समझते हैं क्या होता है। जब आप रेस्टोरेंट गए होंगे, जब रेस्टोरेंट में आप पहुंचते हैं तो आपको वह एक स्लिप देता है जिसमें उस प्रोडक्ट का प्राइस लिखा रहता है कि यह खाना इतने रुपए का है। तो मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ा तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग, जो वह प्रोडक्ट बना रहा है उसकी प्राइस बढ़ेगी। प्राइस बढ़ी तो वह इसको इसकी भी प्राइस बढ़ाएगा, जिस जो प्रोडक्ट बना रहा है उसकी प्राइस बढ़ाएगा। प्राइस बढ़ाने के लिए ये जो कैटलॉग आपको दिया है उसको चेंज करना पड़ेगा बार बार। तो हमने क्या कहा था पहले, मेनू कॉस्ट मीन्स कॉस्ट इनकर्ड फॉर चेंजिंग प्राइस इन कैटलॉग और एनी मेन्यू, जो मेन्यू में प्राइस को चेंज करने के लिए पैसा लगता है उसे हम मेन्यू कॉस्ट कहते हैं। तो ज़्यादा इन्फ्लेशन जल्दी जल्दी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा तो मेन्यू कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा, लेकिन आज की डिजिटल दुनिया में ये हमें कम देखने को मिलता है और इसका कमी आती जा रही है। इसका कारण क्या है, अब जैसे अमेजॉन है, स्विगी है, जोमैटो है,
इन सभी कंपनी में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, तो वह डिजिटली उसको चेंज कर देते हैं, तो मेन्यू कॉस्ट की कोई जरूरत नहीं होती, मेन्यू कॉस्ट का यहाँ कोई रोल नहीं रहता। तो यह अब धीरे धीरे कमी होती जा रही। और अब हमारा तीसरा जो कॉस्ट है वह है फॉल इन परचेजिंग पावर। इसमें क्या होगा, फॉल इन परचेजिंग, यदि मान लीजिए आप पहले एक प्रोडक्ट जो है, एक प्रोडक्ट ए बी सी है, उसकी प्राइस थी 2008 में 10 रुपये, वही ए बी सी प्रोडक्ट आज वही क्वांटिटी सब कुछ वही, उसकी प्राइस 2020 में 20 रुपीज़ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेम प्रोडक्ट आप 2008 में खरीद रहे थे उसकी प्राइस थी 10 रुपये, वहीं पे सेम प्रोडक्ट जो आज आप खरीद रहे हैं उसकी प्राइस थी हो गई 20 रुपये। यानी पहले 20 रुपये, 2008 में आप 20 रुपये में 2 यूनिट खरीद सकते थे, वही प्रोडक्ट 20 रुपये का जो है उसको, 10 रुपये का उसको हम दो दो यूनिट ऑफ क्वांटिटी खरीद सकते थे, लेकिन ड्यू टू इन्फ्लेशन 2020 आते आते तक अब हम उसका एक ही क्वांटिटी खरीदते हैं, वो भी 20 रुपये में, यानी प्राइस दुगनी हो रही है। यानी कि आपकी परचेजिंग पावर, यानी पहले पावर थी आपके पास कि 20 रुपये में 2 खरीद सकते थे, लेकिन अब पावर क्या है, 20 रुपये में 1 खरीद सकते हैं। यानी कि आपकी पावर, परचेजिंग पावर, खरीदने की जो पावर थी, क्षमता थी, वह कम होती जाती है ड्यू टू इन्फ्लेशन। अब हमारा तीसरा, चौथा है इन्फ्लेशन टैक्स। इन्फ्लेशन टैक्स से कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है, अब जैसे इसमें प्राइस में चेंज आया 10 से 20 हुआ, तो 10 रुपये जो है यह तो बढ़ गया, तो यह बढ़ाया किसके द्वारा गया, मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये टैक्स इम्पोज किस पे हुआ, पैसे का सर्कुलेशन बढ़ा तभी तो इन्फ्लेशन आया, तो ये टैक्स इम्पोज क्या हुआ, 10 से 20 किस पे इम्पोज हुआ, यानी पर्सन पे, ये एक प्रकार के टैक्स के रूप में, बर्डन के रूप में लोग देखने लगे हैं। और अब हमारा पांचवा जो है टैक्स डिस्टॉर्शन, यानी कि अब इसको समझने के लिए मैन्क्यू में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि पहले एक प्रोडक्ट जो व्यक्ति स्टॉक खरीदा $10 में, उसको सेम वही प्रोडक्ट जो था उसको बेचा आफ्टर 30 ईयर, 1970s में खरीदा और 2000 में सन में इसको $50 में वह बेचा, लेकिन आज जो तो प्रॉफिट कितने का हुआ उसको, $40 का। तो वही बॉन्ड जो स्टॉक खरीदा उसका प्रॉफिट कितना हुआ, $40। तो इस पर कुछ टैक्स लगेगा, ठीक, $40 पे टैक्स लगेगा, लेकिन आज जो है $10 का जो वो खरीदा था, आज उसकी प्राइस हो गई थी, प्राइस थी $20, तो नेट प्रॉफिट आज के अगर निकाला जाए, 50 50 में बेचा था, तो नेट प्रॉफिट आज के अगर रेस्पेक्टिव में निकाला जाए तो $50 माइनस $20, इसको नेट जो प्रॉफिट हो था वो $30 था। $30 होने के कारण क्या होता है, इसके ऊपर $30 पे टैक्स लगना चाहिए, लेकिन टैक्स इस पे कितने पे लग रहा है, $40। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर नहीं की जाती है किसी भी लॉ मेकर जो टैक्स का लॉ बनाता है, इन सभी के द्वारा ये सारी चीज़ें कंसिडर नहीं की जाती है। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको सोशल कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन समझ में आया होगा।